आपके यहाँ क्या रेट है कोको कोला की? पाकिस्तानी 100 रुपए का। मुल्तानी 100 रुपए। ये यूट्यूब पे सबसे फेमस आप है। ये सुच्चे तिले का बना हुआ प्योर लेदर में हाथ की सिलाई है। ये कितने रुपए का है? ये 150। इंडियन या पाकिस्तान? तो इस तरीके के समोसा भी ले सकते हैं, जो लेडीज सूट है वो भी खरीद सकते हैं, पाकिस्तानी शॉल्स। तो दोस्तों अब हम गुरुद्वारा साहिब से बाहर की तरफ निकल चुके हैं और अब हम पाकिस्तान का जो मार्केट है उसकी तरफ जा रहे हैं। मैं आपको चलकर बताता हूं कि गुरुद्वारा साहिब का जो मार्केट है उसमें क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ चीज़ों के भाव है, कितने महंगाई है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के बाज़ार में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है बाज़ार का। बाज़ार का जो नाम है वो भाई अजीता जी बाज़ार है। और इसी तरफ आपको मेडिकल सेंटर भी दिखेगा, कंट्रोल सेंटर भी दिखेगा और स्टाफ के जो रेजिडेंस है वो भी इसी जगह पर आपको मिलेंगे। इससे जस्ट लगता हुआ आपको HBL बैंक का ATM दिखाई देगा, जहाँ से आप पैसे भी विड्रो कर सकते हैं अगर ATM लाए हैं साथ। तो ये कुछ इस तरीके का आपको पाकिस्तानी बाज़ार दिखाई देगा। आप मेरे पीछे पाकिस्तानी बाज़ार को देख सकते हैं, ये पूरा कुछ इस तरीके का आपको पाकिस्तानी बाज़ार दिखाई देगा। HBL ATM से लगते हुए आपको रवि एक्सचेंज दिखाई देगा, जहाँ से आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। और सर क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बस बढ़िया है सर। कहाँ से आया सर? जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान से आया? हाँ। आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और सर कैसा लगा पाकिस्तान? काफी अच्छा है। गुरुद्वारा हुआ है? गुरुद्वारा हुआ है। मजा आया? काफी मजा आया, काफी अच्छा लगा। आपके यहाँ क्या रेट है कोको कोला की? पाकिस्तानी 100 रुपए की सर। अच्छा, पाकिस्तानी 100 रुपए की है, हमारे 40 रुपए की मिलती है। तो आपके 40 रुपए इधर 100 रुपए ही बनते हैं। और क्या क्या है? वो जो ऊपर स्प्राइट दिखाई दे रही है कैन, वो कितने का है अपने यहाँ? वो भी 100 रुपए का। वो भी 100 रुपए का है। और ये जो बाइट वाला बिस्किट है ये 10 रुपए का है। अच्छा, ये 10 रुपए का है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्राइस है वो उसके जस्ट डबल प्राइजेज यहाँ पर है। आपकी मनी भी तो डबल है ना? हाँ। तो आपका 1 रुपया हमारे इधर तकरीबन 2.5 रुपये बनते हैं। करेंसी की वजह से इंडिया का 1 रुपया यहाँ आकर 2 रुपये हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ की जो प्राइजेज है वो भी डबल है जस्ट। ठीक है भैया। आप इस जगह पे आएंगे तो इस तरह के सोल्स वगैरह, कालीन वगैरह भी खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं भैया कितने का है ये? ये 2000 का पाकिस्तानी करेंसी में। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी करेंसी में आपको 2000 रुपये का मिलेगा और इंडियन करेंसी में आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। आप यहाँ आकर जो लेडीज सूट है वो भी खरीद सकते हैं, पाकिस्तानी शॉल्स भी खरीद सकते हैं। आप अगर यहाँ आते हैं तो इस तरीके के समोसा भी ले सकते हैं, टिक्की भी ले सकते हैं। भैया कितने का है ये समोसा? तो आप देख सकते हैं ये जो समोसा है वो इंडियन 35 रुपए का है और पाकिस्तानी 70 रुपए का है। और ये टिक्की जी, ये कितने की है? ये इंडियन 30, ये पाकिस्तानी 60। तो आप देख सकते हैं ये जो टिकिया है ये इंडियन 30 रुपए की है और पाकिस्तानी 60 की है। ये कुछ इस तरीके की शॉप है भैया की। भैया ये जो 7-Up है बड़ी वाली, ये कितने की है? ये इंडियन 100 की है और पाकिस्तानी 200 रुपए की मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी आपको लेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लेस का प्राइस 60 रुपए लिखा हुआ है, 60 रुपए प्राइस लेस का देख सकते हैं आप। और ये जो इंडिया में 10 रुपए का मिलता है इसका प्राइस 20 रुपीज़ देख सकते हैं आप। ये वीडियो पाकिस्तान सीरीज का 4th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ आपको अधिकतर पाकिस्तानी शॉल्स की दुकानें दिखाई देगी। यहाँ आपको पाकिस्तानी शॉल, लेडीज सूट्स वगैरह ये सब कुछ दिखाई देंगे। कैसे हो भाईजान? अच्छा, और क्या क्या है ये अपने पास? कितने रुपए का है ये? इंडियन 350। ये इंडियन 350 रुपए का, मतलब आपके 700 रुपए का है। और ये वाला, ये सब आप देख सकते हैं, ये इंडियन 350 रुपए में आपको मिल जाएंगे और पाकिस्तानी में अगर लेना चाहो तो 700 रुपए में आपको मिल जाएंगे। ये भैया है, इनकी शॉप है। भैया अपनी शॉप का क्या नाम है? सुवेनियर शॉप। सुवेनियर शॉप।
करतारपुर के जो बाजार बना हुआ है उसके अंदर आपको ये सुवेनियर शॉप भैया की दुकान मिल जाएगी। अंदर आते ही तीसरी से चौथी दुकान भैया की ही है, तो आप यहाँ आकर ये सब भी खरीद सकते हैं। कैसे हो भैया? ठीक ठाक, बढ़िया। ये कितने रुपए का है? ये 150। इंडियन या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी 150 का है, मतलब इंडियन 75 रुपीस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी। और ये जो है की चेन कितने का है भैया? 200 पाकिस्तानी। पाकिस्तानी 200, मतलब आप अगर इनको इंडियन 100 रुपीस देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इंडियन करेंसी भी यहाँ पे चल जाएगी? चलती है, लेकिन ज़्यादा हम पाकिस्तानी लेते हैं। तो आप सुन सकते हैं भैया से कि आप अगर इंडियन करेंसी लाओगे तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा आप पाकिस्तानी करेंसी लाएं, ताकि इनको क्या है कि एक्सचेंज की दिक्कत ना हो जी। और यहाँ आपको इस तरीके की ये सारी चीज़ें मिल जाएगी भैया की शॉप पे। ये सुवेनियर शॉप्स ही है ना सब? इस तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम भी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। कैसे हो भैया? तो यहाँ भैया की शॉप पे आप सोल शूट्स वगैरह भी आप आकर परचेस कर सकते हैं। तो कैसे हो भैया आप? ठीक सर। और बताइए कैसा चल रहा है? बस आपके सामने। अच्छा, तो भैया ये कितने रुपए का मिलेगा अपने यहाँ? ये सर 600 का मिलेगा। 600 पाकिस्तानी 600, मतलब इंडियन 300 रुपीस का आपको ये मिल जाएगा जी। ये सब सेम रेट के हैं, आप इनमें से कोई भी लेना चाहो, ये आपको पाकिस्तानी 600 का और इंडियन 300 रुपीस का मिल जाएगा। यहाँ आपको वॉल क्लॉक भी दिखाई देंगी, वाटर बॉटल भी दिखाई देंगी, और आप ऊपर देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स है, प्लेट्स वगैरह है। यहाँ आपको इत्र भी दिखाई देगा। ये कितने कितने के भैया? ये सर 400। ये 400 पाकिस्तानी में आप कोई भी इत्र ले सकते हैं। और यहाँ आपको की चेन्स, पेन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आप इन भैया की शॉप से आके ले सकते हैं। आप जब बाजार के अंदर एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट शॉप है वो इन भैया की है। आप यहाँ से हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब कुछ आइटम ले सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम, गिफ्ट आइटम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इन भैया के यहाँ। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको इस तरह के सैंडल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो इन भैया की शॉप से ये इस तरह के सैंडल्स वगैरह ले सकते हैं, पाकिस्तानी सैंडल वगैरह। भैया कितने रुपए का है ये? ये भाई वैसे तो 1500 में, इंडियन 1500 में हम सेल करते हैं, 1200 1100 1200 में हम दे देते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की फेमस और मशहूर चप्पल है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पहनी जाती है। ये पेशावर से हैंडमेड बन के आई है। स्पेशली ये है कि तो आप देख सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। भैया ने कहा कि ये हैंडमेड है, पेशावर की है, और इंडियन आपको वैसे 1500 रुपए इसकी प्राइस है, पर अगर आप यहाँ आके लेते हैं तो आपको भैया 1200-1300 रुपए में दे देंगे इस तरह की। और इनके पास काफी सारी क्वालिटी है, आप आए विजिट करें भैया की शॉप से, आपको पसंद आए तो जरूर लें। कैसे हो भैया? ठीक ठाक। और बताओ। ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये क्या है भैया? मुल्तानी सोहन हलवा, ये YouTube पे सबसे फेमस आता है। मुल्तानी सोहन हलवा देख सकते हैं, ये भैया की शॉप पे मिलेगा आपको इस जगह पे, देख सकते हैं। ये टेस्ट करें, सबसे फेमस है ये, पुरानी छाप यही है सबसे। ये पाकिस्तान की फेमस सौगात है मुल्तानी सोहन हलवा, ये यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है, और इनका 301 और 309 इनका रजिस्टर्ड नंबर है। ये सबसे फेमस छाप है यहाँ की, और ये मुल्तानी सोहन हलवे के प्राइस इसके है पाकिस्तानी 800 रुपये किलो, इंडियन 400 रुपये किलो बनता है। तो आप देख सकते हैं मैंने भी भैया की शॉप से ये 301 वाला हलवा लिया है, हाफ के जी। मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करूंगा कि आप भैया की शॉप पे आए तो ये सोहन हलवा जरूर जरूर लेकर जाए, पाकिस्तानी मार्केट में आए तो। तो आप जब मार्केट में सोहन हलवा की शॉप से आगे की तरफ चलेंगे तो आपको ये वाले भैया मिलेंगे, और ये आपको ड्राई फ्रूट्स बेचते हुए दिखाई देंगे। भैया कितने रुपए का है ये? 600 रुपए पाकिस्तानी और 300 रुपए इंडियन करेंसी में आपको मिलेगा ये वाला। ये भी 600।
ये भी 600 पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में आपको 300 रुपए का दिखाई देगा। दोनों पाकिस्तानी। और ये वाले, ये क्या है? ये है बादाम है। अच्छा हाँ, ये बादाम है, इसके अंदर से बादाम निकलेगा, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। हाँ। क्या प्राइस है भैया इसकी? ये 900 रुपए केजी है और इंडियन का 450 रुपए। और ये अखरोट? जी अखरोट। अखरोट की क्या रेट है? 700 रुपए पाकिस्तानी और इंडियन 350 रुपए में। और ये बादाम क्या रेट के हैं भैया? ये है आपके 500 रुपए का आधा किलो। इंडियन 500 रुपए का आधा किलो पाकिस्तानी। इंडियन 500 रुपए का आधा किलो और 1000 पाकिस्तानी करेंसी का आधा किलो मिलेगा आपको। तो आप आए तो भैया की दुकान से ये सारा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ इस तरीके के सब, हर तरह के ड्राई फ्रूट आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हुए हम इन भैया की शॉप पे आए हैं। ये हमें इस तरीके की जूतियाँ दिखाएंगे। यहाँ आपको जेंट्स और लेडीज दोनों तरह की जूती मिल जाएगी। भैया ये वाली जूती कैसी है? जेंट्स जूता है, ये सुच्चे तिले का बना हुआ है, प्योर लेदर में, हाथ की सिलाई है, हाथ की कढ़ाई है। ठीक है, ये जेंट्स में ये सारी वैरायटी जो इधर लगी है ये सारी जेंट्स की है जी, ये सारी। और ये वाली जो है ये लेडीज है, इसमें ये पैक है और ये वाला सारा लेडीज का। प्राइस क्या है लेडीज की? इंडियन, ये लेडीज इंडियन और पाकिस्तानी दोनों। मैं दोनों को बता देता हूँ, ये तिले वाला है, इसकी 5 साल हम वारंटी देते हैं। ठीक है, ये इसकी प्राइस है इंडियन 1000 रुपया, पाकिस्तानी 2000 रुपया। ये वाली आपको मिल जाएंगे 600 रुपये इंडियन में, 500 में, 700 में, मतलब डिफरेंट प्राइस चलती है, 250 से स्टार्ट होती है। और वो वाली मेल वाली? ये मेल वाली है, ये वाली जो है ये आपको जो तिल्ले वाली है वो 1200 से स्टार्ट होगी, इंडियन 1200, पाकिस्तानी 2400 जी। और जो सिंपल है वो 600 रुपये इंडियन से स्टार्ट हो के तकरीबन 1200, मतलब पाकिस्तानी 1200 बन जाएगा और 7000 रुपये तक मिलेगा। तो आप भैया की शॉप पे आके जो मोजड़ी है, जूती है, उसकी भी शॉपिंग कर सकते हैं। आपको जिस भी तरह की जूती पसंद हो वो आप जूती लेके जाएं भैया की शॉप से। ये पंजाबी खुसा शॉप है करतारपुर में, L5। तो आपने भैया से शॉप का नाम भी सुना, पंजाबी खुसा शॉप है L5, यहाँ आके आप जूतियों की शॉपिंग कर सकते हैं। आप वहाँ से थोड़ा सा आगे आते ही भैया की शॉप में ये एंटीक आइटम देख सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट। ये इसको क्या बोलते हैं भैया? ड्राई फ्रूट। अच्छा, ये कितने रुपए की है? ये 600 इंडियन रुपीस। 600 इंडियन रुपीस में और 1200 पाकिस्तानी रुपीस में आपको मिल जाएगी जी। और कितने कितने रुपए के हैं भैया ये? और काफी ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन आप हमारी शॉप पे। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ भैया की शॉप में मिल जाएगा आपको। सेट है ऊंट वाला, इसकी क्या प्राइस है? ये अलग अलग प्राइस है, जैसे ये सबसे छोटा है। अच्छा, ये 150 का बनेगा इंडियन रुपीस में, 300 पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला है ये 600 का मिल जाएगा आपको, ठीक है, इंडियन रुपीस में। और इससे बड़ा जो है ना वो आपको मिल जाएगा 800 इंडियन रुपीस में। और ये दरबार साहब की फोटो प्लेट्स है और ये आपको मिलेगी 500 इंडियन रुपीस में और 1000 पाकिस्तान। ठीक है, वो ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। और ये सबसे छोटा जो है ये आपको 400 का इंडियन रुपीस में मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ना ये 900 इंडियन में मिलेगा जी। और ये वाला नीचे वाला क्या है? ये नक्शी पॉट होते हैं हमारे पास, इसमें कोई भी चीज़ आप डिस्प्ले भी ऐसे भी साथ में कर सकते हैं और कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। और ये जो बड़े पॉट्स हैं ये कितने के हैं और ये क्या है? ये वाला स्पेशल संगत कहने पे ना हमने चपाती बॉक्स बनाया है जी, संगत के कहने पे बनाया, स्पेशल है ये। और ये नीचे वाले? ये गुलदान है बड़े वाला, कितने रुपए? वुडन का है सारा, इंडियन ये इंडियन में 2200 का है। अच्छा। जी इंडियन रुपीस में। और गुरुद्वारा साहिब, ये दरबार साहब का मॉडल ये सामने लगा हुआ ये वाला, ये 1500 में इंडियन। इंडियन 1500 जी। और ये वाला भैया? ये भी ड्राई फ्रूट डिब्बा है, ये भी आपको 1500 का इंडियन मिल जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। तो आप भैया की शॉप से आके ये सारा आइटम परचेस कर सकते हैं। भैया कुछ शॉप का नाम वगैरह? करतारपुर हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, करतारपुर हैंडीक्राफ्ट जी। तो
तो भैया की शॉप का नाम है करतारपुर हैंडीक्राफ्ट और आप यहाँ आके परचेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लगातार चलते हुए आपको ये शॉप्स दिखाई देंगी जहाँ से आप पाकिस्तानी शॉल, शूट्स वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का था करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का बाज़ार। आपको कैसा लगा, यहाँ की प्राइजेस कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर अब हम भी पाकिस्तान से विदा लेते हैं और वापस अपने इंडिया की तरफ चलते हैं।